कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव की चर्चाएं इन दिनों सुर्खियों में है। दिवाली से पहले कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। बुधवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि राहुल अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर है। ऐसे में तय है कि दो दशक से ज़्यादा समय बाद कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बीच मुकाबला तय है। हालांकि ऐसे संभव है कि गहलोत ही अगले अध्यक्ष बनेंगे। सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। इस पर गहलोत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री है तो उस पद पर बने रहते हुए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा, समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँगा। मेरा जहाँ बने रहने से पार्टी का लाभ होगा, मैं वहीं रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट।